खुद चलाकर जन्म दिया है। दोनों बात में आप ऐसे करोगे तो जब माँ की इच्छा हो जाए तब जन्म दे सकती है। तो बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट इधर देखिए, सिद्ध ने आपको निगोद में से जन्म दिया कि आपने हो करके निगोद में से जन्म लिया। आपको अगर जन्म लेना होता, निगोद से बाहर निकलना होता तो क्यों किसी का इंतजार करते? क्यों किसी का इंतजार करना भाई साहब? खुद होकर के चला के ले लो साहब। भाई साहब जन्म लेने के बाद बेटा हजार गुना उपकार कर अहंकार कर लेता है, लेकिन जब तक जन्म नहीं लेता है वहां तक भाई साहब आंख भी नहीं खोलता है, चुपचाप पड़ा रहता है, माँ का उपकार मानता है। जब माँ जन्म देगी तब लेंगे। और माँ सोचती है कि नहीं नहीं नहीं, भले दुख होवे, भले तकलीफ होवे, भले ही पीड़ा होवे, फिर भी अब ऐसी स्थिति में हम दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े। जो मोक्ष में जा रहा है वो इतना बड़ा मैग्नेट निर्माण करके जा रहा है कि आपको निगोद में से खींच के बाहर। निगोद के ऊपर जिन जीवों का इतना बड़ा उपकार है, अब जिसे इधर देखिए, निगोद का जीव दिस इज द फर्स्ट लाइफ और सिद्ध में जाने वाले की लास्ट लाइफ है, पहला जन्म और अंतिम जन्म। बिल्कुल आप देखिए दो के अंदर तो बीच के जीवों के ऊपर उपकार है कि नहीं है? अब बीच के अंदर चीटी मकोड़े आ गए, मक्खी मच्छर आ गए, बर्थली आदमी घोड़े आ गए, हमारे देश से भी आ गए, आपके ऊपर सिद्धों का उपकार है या निगोर के जीवों का? संसार की इतनी सूक्ष्मतम कक्षा, अब इतने सूक्ष्म कक्षा के जीवों पर जो उपकार अंतिम कक्षा के महात्मा कर रहे हैं, बर्थले उतना तो कौन करेगा? कौन करेगा? इतनी बड़ी बात हो गई। एक तरफ एक तीर्थंकर मोक्ष में जाने और एक तरफ बिना तीर्थंकर के अन्य कोई साधु साधी मोक्ष में जाने, क्या फर्क पड़ रहा है? अब पूरा दिमाग चलाना है, क्या फर्क पड़ रहा है? कोई साधु साधी एक अकेले मोक्ष में जाए, ध्यान दीजिए, और कोई तीर्थंकर की आत्मा मोक्ष में जाए। तीर्थंकर की आत्मा जब मोक्ष में जाती है, जगत के सभी जीवों को सुख का अनुभव होता है। जब साधु साधवी और अन्य कोई आत्मा जाती है वो निगोद से एक जीव को मानते हैं। उपाध्याय है, साधु है, साध्वी जी है, जो
उनके मोक्ष में जाने से ये उपकार तो होना होना ही है, निगुप्त में से तिल का बाहर निकलना ये तो उपकार होना ही होना है। अब जो तीर्थंकर बन के मुक्त में जा रहे हैं उनका डबल उपकार क्या है, निगोद के झील तो बाहर निकलेंगे ही निकलेंगे, लेकिन नरक के नार की सातों नरक के समस्त नार की जीवों को भी दो घड़ी के लिए अंतर मुहूर्त के लिए वहां पर भी सुख शांति पहुंच जाएगी। हाँ, थोड़ा सा सोचिए भाई, ये विशेषता है। अब इसके अंदर किस तरह से निगोद के जीव आप देख, इनके अंदर हम थोड़ा सा विभाग करें कि ये जो जीव है इनका शास्त्रकारों ने जो नाम दिया है, आप जिसको यहाँ पर निगोद के रूप में, अब ये हमने दो विभाग कर लिए, एक ये है सूक्ष्म और ये है आप स्थूल भी कह सकते हो, और दूसरे नाम के अंदर अब देखिए सूक्ष्म निगोद की बात आई, तो ये सूक्ष्म निगोद वाले जीव कौन से हैं, ये गोले के अंदर जो है वो। अब जिस तरह से जो यहाँ पर है ही है ऑलरेडी ये सूक्ष्म गोले, ध्यान रखिए एक गोला, एक गोले में अनंत निगोद, एक निगोद में अनंत जीव, और इतना सारा स्वरूप होते हुए भी इतना सूक्ष्म है, और सूक्ष्मीकरण के कारण न आपको दिखाई दे न मुझे दिखाई दे, ये आंखों से देखने की बात नहीं। अब जब इस सूक्ष्मीकरण में से ये स्थूल स्वरूप में बाहर आकर बड़े बनेंगे तब तो आपको दिखाई, अब हमको दिखाई, अब इनका बाहर आकर के बड़ा स्वरूप धारण करे, स्थूल स्वरूप में आ जाए बाहर तब आपको पता चलेगा, नहीं तो नहीं पता चलेगा। तो ये प्रक्रिया आप इसकी धात में जुड़ रही है, इसमें से आप इसमें आ रहे हो। अब महावीर ने कहा कि ये नाम जो है निगोद जिसको आप कहते हो, इसी को शास्त्र के अंदर यहाँ पर दूसरा मुख्य नाम तो दिया है वो। क्योंकि हम सात लाख बोलते हैं तो उसके अंदर इन जीवों की गणना किसमें हो, सात लाख के 13 डिवीजन के अंदर 84 लाख जीव में सभी जीव आ गए, तो ये भी जीव है, आखिर इसको किसमें गिने, इसकी गणना किसमें करनी। तो यहाँ पर जो नाम दिया गया है वो है साधारण वनस्पति काय। अब ये बात आ गई कि ये साधारण वनस्पति काय है, इसी को हमने यहाँ पर एक निगोद नाम दिया, और ये साधारण वनस्पति काय के ही आपने यहाँ पर ये दो भेद किए, एक सूक्ष्म साधारण वनस्पति काय। अब आप इसको इसी तरह से लिखिए कि सूक्ष्म साधारण ये वनस्पति काय, इसको भी यहाँ पर मादर साधारण ये वनस्पति काय। अब ये नाम जो यहाँ पर आया, महावीर ने जो नाउन दिए हैं संज्ञा दी है उस हिसाब से इन जीवों का स्वरूप है। तो जब तक ये इस गोले के स्वरूप में है वहां तक सूक्ष्म स्वरूप में है, अब आप इनकी हिंसा कैसे करो, इनकी हिंसा से कैसे बचो। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बहुत बड़ा प्रश्न आ रहा है, लेकिन यहाँ जीव है, इन जीवों की संख्या गणना स्वरूप सब कुछ एज इट इज वही है, कोई कम ज्यादा कोई फर्क नहीं। लेकिन अब इनके अंदर ये सूक्ष्म ऐसे ये थोड़े से स्थूल बादल बन जाए, अब आपको ये विजिबल बन जाए, क्योंकि यहाँ तक है वहां तक सूक्ष्म स्वरूप में, अब ये बड़े बनकर आपको बादल स्वरूप में दिखाई दे। लेकिन ये आप समझेंगे वेरी फर्स्ट पहली स्टेज के अंदर यहाँ पर ये
इसी स्वरूप में है। अब जब हमने पहले स्वरूप के अंदर देखा, ये आपने देखा गोला, और इसके अंदर ये जो अनंत देह है, अब ये आ गया सूक्ष्म साधारण वनस्पति का। लेकिन अब कल इसमें से आगे बढ़ करके जब ये स्थूल पदे बादल की कक्षा में आएंगे तब आपको दिखाई ख्याल में आपको। अब ये बादल स्वरूप में कब आपको किस रूप में दिखाई देंगे? इधर देखिए, अभी आपने ये एक फ्रेश गरम रोटी बनाई और ये आपने कल दूसरे दिन रखी। अब ये दूसरे दिन रखने पर इस रोटी के ऊपर अभी ये रोटी आज बनी है, अभी फ्रेश गर्म हुई है, गेहूं की हिस्सा जरूर हुई है, वो प्रत्येक वनस्पति का है। अब रोटी बन गई, अभी गर्म है, आज का टेम्परेचर है, आज के टेम्परेचर के हिसाब से इसके अंदर अन्य जीवों की उत्पत्ति नहीं हो रही है। अब ये रोटी आपने कल पर रख ली, ये बासी हो गई। अब इस बासी रोटी के ऊपर आप देखोगे वाइट वाइट छोटे छोटे दाने, जैसे आपको फंगस लगेगी। ये फूलन जो आप कहते हो मारवाड़ी में, अब ये फूलन क्या है? ये स्थूल बादर साधारण वनस्पति का है, अब गोले के रूप में नहीं है, अब ये आपको विजिबल हो रही है, आप दिखाई दे रही है। आप इसमें क्या करो, एक सुई लो और इसमें से इतना सा निकालो और एक पोर्शन आप माइक्रोस्कोप में रखिए। 200 मल्टीपल करने वाला अगर माइक्रोस्कोप है, आपने सुई पर इतना सा निकाल करके रखा, अब आप उसके अंदर देखिए, आपको पता चलेगा। अब ये जो है, यहाँ जो नहीं दिखने वाला था वो इस स्वरूप में दिख रहा है। चाहत यही है, बात यही है, कोई फर्क नहीं है, इनका ही स्वरूप अलग से बड़ा हुआ। इसमें से जो निकले, अब इनका स्वरूप बड़ा हुआ। जैसे आप देख लीजिए, बारिश आती है, हवामान ठंडा होता है, दीवार पर लगातार जो बारिश गिरती है तो ग्रीन 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 हरे 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 जो है, और दो दिन चार दिन दस दिन में देखो तो एकदम पूरी दीवार जो है, या घर के आंगन में जमीन पर देखो, अब वो लील फूलन जो हो रही है था, वो क्या है? अब वो बादल साधारण वनस्पति का है। अरे ख्याल में आपको, आप विवेक रखने वाले वो समझते हैं घर के अंदर कि भाई क्या करें। आपने कहा हमने तो शाबाश की बर्सी लगाई, आपने कहा हमने तो दूसरे कुछ लगाया, लेकिन जहाँ पानी जमेगा, जहाँ पानी ठहरेगा, वहाँ धीरे 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 उसके ऊपर आप वहाँ की बात छोड़ो, आपके घर में पानी का मटका है, टप 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 पानी रोज उसमें से टपक करके हर जगह पर देखोगे तो चौथे दिन बरोबर आप देख लो। अब दुनिया के अंदर हैदराबाद में घर बिल्डिंग है कितनी, एक एक बिल्डिंग पर ऐसी लीलन फूलन होती जाए। अब यहाँ से आप जाओ तो सिकंदराबाद में कितनी, और ये तो त्रय नगर कहलाता है, तो कितनी मकान, कितनी बिल्डिंग, कितनी दीवारों पर कितनी फूलन आए। चलो अब यहाँ से बम्बई चलो, पुणे चलो, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, अब ये जीव संख्या कितनी। और महावीर कह रहे हैं, एक सुई लगा करके इस पर से आप आहार उठा करके देखो तो जीवों की संख्या का प्रमाण अनंत। यहाँ आपने अभी क्या देखा था? एक गोला, एक गोले में अनंत निगुण, एक निगुण में अनंत जीव। अब यहाँ से यहाँ आए तो कोई बदल जाएगी व्याख्या? नहीं, एक शरीर में अनंत थी। अब वही बात हो गई, फिर आप उसके ऊपर से सिर्फ आप निगल एक सुई लेकर के सुई पर से निकाल करके देखेंगे। अब ये सिद्धांत है, ये केवलियों का देखा हुआ दृश्य है। अब भगवान आपको कहेंगे कि भी आज की रोटी कल बासी खाओ, आप ये रोटी खाते हो आज। इधर देखिए, इसमें गेहूं के दाने में प्रत्येक वनस्पति काय के जीवों की विराधना जरूर हुई है, तब जाकर के आटा आटे से रोटी बनी है।
लेकिन अभी इस समय अनंत जीव की हिंसा का कोई सवाल नहीं आ रहा है। अब ये रोटी आपने कल पर रखी, कहीं करो बाबा जी रात को बच्चे ने नहीं खाई, ऐसे ही पड़ी रह गई, दूसरे दिन हो गए, अब कहीं करो। अब सुबह सुबह महाराज साहब आ गए, साधु सत्य तो संत सत्यों के पास में बैठा था। अरे भगवान ये क्या कर रहे हो जी, गाय को वगैरह देते हो? एक एक गाय नहीं देते हैं वो क्या? आप पहले आपने अगर रखी है, अब अनंत जीव उत्पन्न हो रहे हैं भाई साहब, गाय के रेडी तो पहले से आप कर रहे आज ही दे सकते। आप पर कभी भी कितने भी बजे जाओ गाय को ना कहती नहीं है ना दे दो गाय को। अब ये है कि कल ये हो गई, अब मात्र रोटी की बात नहीं, जिस हिस्से में पानी का अंश आ गया, आपने सब्जी रख दी, आपने दाल रख दी, बाकी चटनी बढ़ गई, चटनी रख दी आपने, और सुबह इडली के साथ नौका से भी खा लेंगे, क्या कर रहे हो आप? चटनी बिना पानी के बनी है क्या? ये क्या कर रहे हो? गलती मत करो, मेरे घर का सिद्धांत नहीं है ये, किसी संप्रदाय की बात नहीं, इसको समुदाय लगता है क्या? जब यहाँ पर आप देख रहे हो दिन का टेम्परेचर 35 डिग्री 37 डिग्री है, नाइट में रात को जाकर 19-20 डिग्री का टेम्परेचर आ गया। अब अनंत जीवों को उत्पन्न होने के लिए एक तरफ अनाज दूसरी तरफ पानी, अब इन जीवों को उत्पन्न होने में देर कितनी लगेगी? जब केवल ज्ञानी अपने ज्ञान योग से ये स्वरूप समझा रहे हैं, अब व्हाट अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन, सो व्हाट अबाउट द प्रैक्टिकल लाइफ? अब हम समझ गए कि इतने अनंत जीव इस पर उत्पन्न हो रहे हैं, फिर आप उसको खाने की बात करो और खुद खाने की बात करो और खुद की बात नहीं, बाबूजी कई कोने बढ़िया कोने तो मारा जाएगा, कई करो सर, लो बाबूजी आप भी लेने जाओ, कई करो, ये क्या कर रहे हो आप? अरे अनंत जीव की हिंसा विराधना हो रही है कि नहीं? और अनंत जीवों की विराधना हिंसा हो रही है, कर रहे हो तो पाप कर्म किसको लगे? पहला हिस्सा ध्यान कर। अब आपको सबको अपनी तरफ से देखिए, पहला है द बेसिक फंडामेंटल ऑफ द फिलोसॉफी, द रोल ऑफ फिलोसॉफी जस्ट टू सेट द डॉक्ट्रिन्स and whatever the religion, so religion is the practical form, so whatever type of the doctrine which is said in the philosophy, now in practical life you have to follow that, just to put in your practical life, dharma jeevan ke acharan mein hai, siddhant kevaliyon ke siddhant se bana, bhagwan ka kaam siddhant bana karke dena hai, acharan karne ka kaam aapka hai। अब आचरणों को संप्रदाय की दीवार मत लगाओ भाई साहब, अपने अपने सांप्रदायिक बॉक्स के अंदर पैकिंग करके महावीर की बात को अलग अलग तरीके से सेल करना, ये सांप्रदायिक दुकानों का काम। तो महावीर की बात तो सीधे तरीके से पेश तो करो कम से कम, क्यों गलती करते हो? आप कहीं पर आपकी उपेक्षा से पानी गिर रहा है टप 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 करके, वहां पर अगर लेट फूट बन रही है तो बंद करो। मात्र पानी की बात ही नहीं है, और इसमें ये जो है तो अब तो वर्ण गंध रस स्पर्श पुतल के परमाणु से जीव बना रहा है शरीर। मान लो कि महिला ने ध्यान नहीं दिया और अचार की बरनी के अंदर बीघा आटा, पानी का भीगा हुआ चम्मच डाल दिया, पानी का गीला हाथ अगर आपने डाल करके अचार ले लिया, महिलाएं बहुत कम विवेक रखती है, वो भी वहां तक चम्मच न लेते हुए हाथ से ही फटफड़ापन करती है सर, लेकिन जिनको विवेक है वो ध्यान रखे। आपने अगर पानी वाला थोड़ा सा हाथ बिना डाल दिया, नहीं बाबूजी पानी वाला नहीं है, तो गर्मियों के दिन पसीने वाला हाथ है वो भी आपने डाल दिया, आप दूसरे दिन देखो अचार की बरनी के ऊपर फुलन आ जाए, और वो फुलन जो है अचार के कारण ब्राउन कलर की दिखेगी, रोटी में आकर सफेद इसके कारण व्हाइट कलर की दिखेगी,
पानी के कारण दीवारों पर ग्रीन कलर की दिखेगी, अचार की बर्नी पर ब्राउन कलर की दिखे तो कलर तो कोई भी हो, कलर कोई भी हो, कलर तो पुद्गल के हैं, वर्णक अंतर स्पर्श ये सब कलर बनेंगे। इधर देखिए मेरे सामने ये ब्रेड बना है, और ब्रेड एकदम कैसा होता है, अब आपने जैसा मैदा इसमें भर करके भट्टी में डाला है तो जो पतरे का बॉक्स वो लगा है तो उसने चारों तरफ से इसकी सरफेस को जितना स्पर्श किया है उतना गर्म होकर के ऊपर का फर, ऊपर का जो है वो कड़क जरूर हो गया। अरे ख्याल में जो पतरे को लगा है वो पोर्शन इसमें जरूर कड़क हो गया, लेकिन अंदर अब ये ब्रेड सोमवार को बेकरी के अंदर दोपहर को 2 बजे बना। अब 6:50 पर सूर्यास्त है, 2 बजे बने हुए ब्रेड को आप 3 बजे 4 बजे 5 बजे 6 बजे 6:50 तक खाओगे, वहां तक कोई चिंता नहीं, वहां तक अनंत का ही नहीं। लेकिन आपके लिए संभव है 2 बजे बेकरी में बने हुए ब्रेड को आप 6:50 तक खा लेंगे, अब ये ब्रेड जो है वहां पर बनते गए अब इसके बाद ये रैपर लगेगा, रैपर लग करके कंज्यूमर स्टोर्स में जाएगा, अब वो कल जाएगा परसों जाएगा, आप कब खरीदने आओगे, आप कल खरीदोगे आप परसों खरीदोगे, आप घर लेकर के आएंगे, आपने अभी आधा खाया है, आधा पैसे काले मुंबई से मेहमान आइडिया रखो, आपने फिर आधा खाया, फिर आधा कल के लिए रखा, आपके लिए या मेहमान के लिए उसके अंदर जीवोत्पत्ति नहीं होगी, रुकेगा। ऊपर का पानी जल गया था वो बात थी, वहां तक कड़क हो गया। हम भी क्या करते हैं, ये रोटी कल पर रखने के पहले आज उसको सेक करके खाखरा करते हैं। खाखरा करने के पीछे कारण क्या है कि आटे के अंदर जो पानी है वो, अब पानी अंदर से जल गया, अब रोटी सेक करके खाखरा बन गई, अब आप खाखरा 2 दिन नहीं 4 दिन रखो कोई फूलन नहीं आया। अब सवाल ये, अभी ब्रेड को क्या करेंगे, ब्रेड का खाखरा बनाएंगे क्या करेंगे, अब इतना मोटा 4 इंच का ब्रेड है और वो बरोबर ऐसे ऐसे ही रहेगा, अब वो ब्रेड 4 दिन रहेगा 5 दिन रहेगा, अब अंदर जो है आटा तो मैदा तो वही है और अंदर पानी की भेद के कारण वो जो है स्पॉन्जी टाइप से अभी दब रहा है। आप 2 दिन बाद खाओ 4 दिन बाद खाओ, आप अनंत काय के जीवों की हिंसा के भागीदार बन रहे हो। आप जाकर के अंदर देखते नहीं, आप जाकर डाइनिंग हॉल पर बैठ गए, वहां पर टेबल पर आपने एक पिज्जा का ऑर्डर दे दिया, पिज्जा आएगा तो किस पर आएगा, पिज्जे में ब्रेड है कि नहीं, वर्तमान जी है देखियो, देखियो पिज्जा को, अब उसके अंदर भी ब्रेड अगर यही है, ऊपर और कुछ लगाओ नहीं लगाओ बात की बात है, पहले अनंत जीव की विराजना हो रही बात ये है, और जितने अनंत जीव अगर इसके अंदर बन रहे हैं तो बात चली, पहले अपना हिसाब कर लो कि मेरी आत्मा इस समय मेरे इस शरीर के अंदर है, अब मैंने इसका जिस तरह से जितने प्रमाण में सेवन किया, अंदर तो आपकी आत्मा है, अब इधर आपने खाया, ये खाया हुआ आपके पेट में गया, खाया हुआ पेट में गया और मरे हुए अनंत जीवों की हिंसा का पाप ये आपके आत्मा पर जो लगा है, ये बासी रोटी का पाप लगा, इधर देखिए अब ये आपके लिए ब्रेड का पाप लगा, ये पाप लगने के बाद जब यहाँ पर हो गया तब ये बना,
बाहर जब आप इंसान कर रहे थे तो यहाँ पाप लग रहा था कि अनंत जीव मर रहे हैं उसका पाप हो रहा था, और आकर आत्मा पर चिपक गया वो। इधर देखिए, अब ब्रेड आपने खाया, कल का बासी आपने खाया, ये तो आपके पेट में गया, अब पेट में तो 24 घंटे टिकेगा पेट में, बाकी तो बाद में कल सकाश में जाएगा, और ये कब तक रहेगा? ये भी 24 घंटे में ब्रेड के साथ जाएगा। ये यहाँ पर जो लग गया कर्म के रूप में लग गया, अब ये आपका 24,000 बरस रहे, ये आपका 24,00,000 बरस रहे, अब ये कर्म है वत्सली, अब आप इसको कैसे निकालो? पेट में अगर मैदा है, जम गया, नहीं निकल रहा है, तो जुलाम लो, पेट साफ हो जाएगा। अब आप पानी में सर्फ डाल के घोल के पिएंगे तो भी ये कैसे धुलेगा? एक मिनट खाने की रोटी के पीछे आपने जो कर्म बांधा वो 1,00,000 बरस तक भुगतना पड़ेगा। एक ब्रेड खाने के लिए 10 मिनट के अंदर आपने जितने जीवों की हिंसा, अनंत जीवों की हिंसा जो की है, अब उसका कल 10,00,000 बरस तक वो कर्म भुगतना पड़े, वो ज्यादा है कि समय खाने का आपको मजा ज्यादा है? चलिए देखो, नंबर 1 बनताई मैदा में से है, और मैंने आपको कहा मैदा में बने तो मैदा के अंदर प्रोटीन के अंश रहते ही नहीं, 0। नंबर 1 मैदा की वस्तु बनाकर खाएंगे तो आपको प्रोटीन तो कुछ भी मिलना ही नहीं है, खाली अंदर की आंतों को एक्सरसाइज करके आपने खा लिया, उसको निकालना है, अननेसेसरी, कोई मीनिंग नहीं, कोई फायदा नहीं, और उसके कारण कर्म आत्मा को बंद है, कर्म पेट को नहीं लग रहा है, कर्म शरीर को नहीं लग रहा है, आत्मा को लग रहा है। अब पहले ये हिसाब कर लो, आपको खाना है आप जानो, महावीर का काम है सिद्धांत तक खोल करके स्पष्ट कर, ज्ञान आपको सही देना, ये महावीर का काम है। आप कह दो महावीर स्वामी को, बाबू जी मैं आपकी बात नहीं मानता, मैंने तो खाना ही पड़े बाबू जी, मेरे को तो खाना ही करना, महावीर कहे आपकी मर्जी आप जाए। अब जो खाएगा उसकी आत्मा पर कर्म चिपकेगा तो उसको हिसाब चुकाना पड़ेगा, वो आप जाए। इसके आगे का चैप्टर अगर हम कल करते हैं वाक्शाले, अब आलू प्याज की बात आएगी, लहसुन गाजर की बात आएगी, मूला और शकरकंद की बात आएगी, अब आप कल हिसाब करेंगे। आप पहले आलू प्याज के प्रश्न जो भी आपको उठ वो बना के लाके चिट्ठी यहाँ पर पाठ पर रख देना, कल एक चिट्ठी आप यहाँ पर ला कर रख देना आलू प्याज के बारे में, ये यही विषय है, उसका ही विषय है, महावीर क्या कह रहे हैं, उत्तराधीन सूत्र आगम शास्त्र के अंदर महावीर का पाठ क्या है, आगमों के अंदर महावीर ने जो कहा है वो शब्द पहले हम समझ लें, पहले केवली की बात पर सिद्धांत पर जो है हम विचार कर लें, फिर आप ना बोल तो मैं तो महावीर स्वामी को नहीं मानता हूँ, तो बाकी नमस्कार आपको, फिर तो राम राम, अब इसके बाद हम कुछ भी बात नहीं कर सकते। कल दूसरा रविवार है, ठीक आप 9:30 के पहले यहाँ पर आकर सामयिक लेंगे, अमृतला जी कल सामयिक ले जाता, कल आप यहाँ पर 9:30 पहले सामयिक लेंगे, हम एक तरफ तो परमात्मा ने बताए हुए सिद्धांत में से जैन कॉस्मोलॉजिकल स्टडी, जैन ज्योग्राफिकल स्टडी, हमारी खास जो माता जी है दादी सा है उनको विनती करता हूँ हाथ जोड़ के कि बहुओं को भेज देना, बेटों को भेज देना, पोतों को भेज देना, आप घर पर बच्चों को संभाल लेना थोड़ी देर के लिए, सवाल 3 घंटे का ही है, ज्यादा नहीं है, कुछ लोग नहीं सुन पाते नहीं समझ पाते हैं, तो आप मेहरबानी करके जगह था रोके, आपकी बहू आकर के सीख के जाए, आपकी बेटी आकर के सीख के जाए, आपके बेटों को भेजो वो सीख के जाए, बहुत जरूरी है। फिर हम ये आरोप की बात का रहस्य खोलेंगे, इसमें से सिद्धांत समझ लेंगे, बड़ा अच्छा स्वरूप है, इसमें से समझता है। कुछ हमारे बातचालियों को बहुत दया आ रही है, बहुत दया आ रही है कि महाराज साहब 9:30 से 12:30 बजे सर से मिल लेंगे, महाराज साहब की दया आ रही है,
नाम अपना लेकर महाराज करनी पाओगी तो लंबो मत करो, आप चाहे कहीं करो। आप हमारी दया मत सोचिए, इस समय हमारी दया की बात नहीं है। आप पहले सिमरने की सीखने की कोशिश करो। जिनको कमर दुखती है तो बक्सली थोड़ी पीली मिर्ची खा करके आओ, कमर का भी फायदा होगा। और बैठ करके 5 मिनट खड़े हो जाओ तो भी चलेगा। 3 घंटे के बीच में 5-5 मिनट का इंटरवल करेंगे, आपको चिंता मत करिए। कल दूसरी शिविर है बक्सली, दूसरा रविवार है और सबके लिए काम की बात। मेरे निवेदन है कि आप पहले से बीच में जगह नहीं रखेंगे, दूसरों को जगह देने का भाव रखेंगे। सोचने भक्तली बीच में व्यवस्था पर रहेंगे ताकि पहले से ही सबको जो है बिना जगह रखे थोड़ा सा सजा करके बैठाना पड़ेगा। कल दोपहर को 2:30 बजे बालकों की शिविर है, छोटे बड़े सभी बालक यहाँ पर आएंगे। साथी जी महाराज भी यहीं पर आ जाएंगे। नीचे क्लास होगी या ऊपर क्लास होगी, 12 बरस के बच्चों की क्लास अलग कर देंगे, 12 से छोटों की क्लास नीचे अलग कर देंगे। हेमंत विधि महाराज सिखाएंगे, साध्वी जी महाराज 2-4 क्लास देंगे, ऊपर भी हो जाएगी साहब। ये महावीर भवन तो है, 6 मंजिला बिल्डिंग है, यहाँ तो चिंता ही नहीं है। आप सभी बता रही इनको भी बालकों को भी कल होमवर्क दिखाए हो गया और संस्कार दिए जा रहे हैं। आज हमारी माताओं के लिए शिविर है, युवतियों के लिए, बहुओं के लिए आज की शिविर दोपहर को 2:30 बजे साध्वी जी महाराज लेंगे। आप सभी पधारिए, सबके लिए हैं। आप फॉर्म भरिए, फॉर्म भर के अपना आईडी कार्ड साथ में लेकर के पधारें। कल भी बापशाली यहाँ व्याख्यान में आने के लिए सबको छूटे, किसी को ना नहीं है, लेकिन 12:30 के बाद नीचे जाते समय अपना आईडी कार्ड दे करके दिखा कर ही जाना। वहाँ सबके लिए व्यवस्था पूरा काम रो हैदराबाद को स्वामी वासल को नहीं चाहते, क्योंकि व्यवस्था पर व्यवस्था नहीं बैठा पाते हैं। और यहाँ जो 12:30 तक शिविर में बैठे हैं पढ़ रहे हैं और वो नीचे जा रहे उतनी देर में तफेले साफ हो जाते हैं। अब फिर वो एकदम आने वालों के लिए नई रसोई बनाने जाए तो किसी को धीरज भी नहीं है। तो व्यवस्थापकों को विनती है कि भाई साहब यहाँ सर्वमंगल न हो वहाँ तक नीचे का दरवाजा न खोलें। ये हैदराबाद का स्वामी वात्सल्य नहीं है, ये शिविरार्थियों के लिए अल्पाहार की व्यवस्था है। तो ये भी तरह देखिए, सबको विवेक को रखना ही रखना है। रात को 9 से 10 के क्लास में अमरवीर जी महाराज पढ़ा रहे, रात को 9 बजे आइए। अब मेहरबानी करके सुबह 6 बजे योगा में कोई ना